नमस्कार, आज हम बनाएंगे प्याज की सब्जी, बहुत ही स्वादिष्ट एक नए तरीके से। तो आइए देख लेते हैं इसकी सामग्री। प्याज है, प्याज को हम छील करके धो लिए हैं, इसको हम इस तरीके से कट कर लिए हैं। देखिए, दोनों तरफ से, इधर से भी सबको कट कर लिए हैं। ये 6 से 7 प्याज है। इसके लिए हमें चाहिए 1 छोटी चम्मच बेसन, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच सौंफ पाउडर। प्याज की सब्जी में सौंफ पाउडर बहुत अच्छा लगता है, स्वाद देता है। और ये जीरा पाउडर, और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। एक प्याज चॉप किया हुआ, 1 टमाटर चॉप किया हुआ, थोड़ी सी कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच, कस्तूरी मेथी, अदरक लहसुन, और ये इसका सीक्रेट है, 1 चम्मच सिजवान सॉस। जब आप सिजवान सॉस डालिए तो इसमें मिर्ची नहीं डालिए, क्योंकि इसमें मिर्ची ही रहता है। इसमें ये सिजवान सॉस जो है। और तड़का के लिए लिए हैं हम जीरा, मेथी, हींग और काली राई, नमक अपने स्वाद के अनुसार। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो प्याज पर हम ये कॉर्नफ्लोर है, इसको हम डाल देते हैं पूरे। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो अरारोट डाल दें या मैदा डाल दें, कुछ भी डाल दें। हम इसमें डालेंगे हल्का नमक। इसमें चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर, सबको हम मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा हम इसमें तेल दे देते हैं, तेल से अच्छे तरीके से कोटिंग हो जाएगा। देखिए, बस 2-4 बूंद इसमें हम तेल दे दिए हैं। हाथ से सबको हम कर देते हैं। इस पर आ गया है। अब चलिए हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हम एक बर्तन रखे हैं, इसमें 2 चम्मच तेल डाले हैं सरसों का। इसमें हम सबको हल्का फ्राई कर लेते हैं, सिर्फ हल्का। जो टूट गया है उसको भी हम डाल देते हैं। ज्यादा हमको नहीं पकाना है। इतना ही पकाना है, इन सबको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इसका कच्चापन निकल गया। ये देखिए, अब इसमें हम तेल नहीं डालेंगे, यही तेल में हम ये तड़का का सामान दे देते हैं। और इसको हम तड़कने देते हैं। मसाला तड़क गया। देखिए, सरसों पटपट आवाज कर रहा है। अगर सरसों कच्चा रहेगा
तो सब्जी अच्छा नहीं लगेगा, तीखापन लगेगा। देखिए कैसे चटक रहा है। इसमें हम ये प्याज डाल देते हैं। ये सब्जी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। अगर कोई सब्जी नहीं है तो प्याज तो घर में रहता ही है, उसका सब्जी आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उसके सामने सब सब्जी भूल जाइएगा। प्याज को हल्का फ्राई होने देते हैं, फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे। प्याज फ्राई हो गया है, इसमें हम लहसुन अदरक डाल देते हैं। आप लोग का शिकायत रहता है कि हम बहुत तेल डालते हैं। देखिए अब हम कम तेल में सब्जी बनाने लगे हैं। अब इसमें हम टमाटर पेस्ट डाल देते हैं। इसे भी हम फ्राई होने देते हैं। इसी में हम ये सारा मसाला डाल देते हैं। साफ साफ फ्राई होगा। इसको हम फ्राई होने देते हैं। मसाला फ्राई हो गया है, अब हम शिजवान सॉस डाल देते हैं। इसमें पानी भी थोड़ा सा डाल देते हैं धो के। इसमें और पानी डाल देते हैं। जितना हमको ग्रेवी रखना है इसमें हम नमक डाल देते हैं। एक चम्मच नमक हम डाले हैं, आप अपने स्वाद अनुसार डालें। उसको हम उबलने देते हैं। देखिए ग्रेवी तो तैयार हो गया। अब इसमें हम एक एक करके सारे प्याज को डाल देते हैं। कस्तूरी मेथी भी डाल देते हैं। इसमें हम 2 मिनट और पकने देते हैं। तो ये देखिए सब्जी मेरा बन के तैयार हो गया है। धनिया पत्ती डाल देते हैं। थोड़ा सा क्रंची ही रहता है प्याज खाने में, तभी मुंह में अच्छा लगता है। देखिए इसका ग्रेवी कितना ही अच्छा बना है। तो
हम गैस को बंद कर देते हैं। प्लेट में इसको निकालते हैं तो ये देखिए कितना बढ़िया प्याज का सब्जी बनके तैयार हो गया है। और इसका ग्रेवी देखिए, इसका टेक्सचर देखिए। और इसमें हम धनिया पत्ती दे देते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। आप ही लोग के सपोर्ट के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह आप लोग अपना प्यार स्नेह बनाए रखिएगा। धन्यवाद।